मेरा दिमाग में था कि फुल टाइम म्यूजिक करना है, एक्टिंग तो मतलब वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं था। म्यूजिक करने के लिए जॉब छोड़ा था फुल टाइम। आई गॉट अ कॉल कि ऐसा ऐसा एंड चैतन्य दामन ने वांट्स टू मीट यू। अच्छा, तो शुरू में तो आई वाज लाइक आई वाज टेकन अबैक, कुछ प्रैंक तो लगनी वो शुरू में लगा था। आई ऑफ कोर्स बिलीव इन ट्रेडिशनलिज्म, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग, आई एम ओनली डूइंग क्लासिकल म्यूजिक। वैसे देखने जाए तो द स्ट्रगल ऑफ क्लासिकल म्यूजिशियंस दीस डेज इज कि हाउ टू बी रेलेवेंट। यस, रेलेवेंट, बट क्लासिकल म्यूजिक से बिना छेड़खानी करे गाना आना इम्पोर्टेंट है। ये दिखने से बड़े नहीं बनोगे। इन करंट टाइम्स वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन पीपल यूजिंग अ म्यूजिक विच वॉज नेवर क्रिएटेड फॉर एंटरटेनमेंट। निरेगा मदनी दमगरेसा, ये एक ही स्केल है, बट आई एम एम्फसाइजिंग मोर ऑन द ध एंड रे, तो वो मारवा हो जा रहा है। तो कैसा है ना, दिस इज अगेन अ फैंटेसी। 10,000 का ऑडियंस क्लासिकल म्यूजिक में कैसे आएगा? लाइक नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अभी आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, वो भी क्लासिकल इंडस्ट्री में, और आपको बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कॉम्पीट करना है, तो दिस इज नॉट फेयर कंपैरिजन। आल्सो सेम स्केल है, धनी रे गम ग गम द गम ग नी रे सा नी धनी। इसमें नी का ज्यादा, ये नी का है तो ये पूरिया हो रहा है। अच्छा। और इसका जो एम्बियंस क्रिएट होगा वो मारवा से बहुत अलग होगा। अगर आप रियाज करने बैठे हो, ठीक है, आपने एक घंटा रियाज किया, और अगर एक्सीडेंटली कोई बैठा है और एक घंटे के बाद अगर उसने बोला कि आदित्य मज़ा आ गया आपका रियाज सुन के, वाह वाह एक घंटा बहुत मज़ा आया, तो समझ लो कि आपने रियाज किया नहीं। सिंपल लिटमस टेस्ट है। अच्छा। वो आदमी कंटाला आके उठ के बाहर जाना चाहिए। समझने वाली ऑडियंस दो है, जिन्होंने खुद क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, और दूसरी जिन्होंने बहुत साल से क्लासिकल म्यूजिक सुना है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड द लाइन हैज बिकम वेरी ब्लर, बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। Is it a lonely journey? Yes, absolutely. Artist journey. Have you is ever very felt lonely in your classic? But आप तो job भी करते हो, so kind of balancing it. But मान लीजिए, imagine you have quit your job and pursuing full time music.